इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल के गंगारामपुर में पीएम मोदी की रैली का बंगाल के लोग मतदान का आनंद ले रहे हैं। 2 मई दीदी गई। पीएम ने कहा माँ गंगा बिना भेदभाव के सबका भला करती हैं। दीदी को माँ गंगा और श्री राम के नाम से नफरत। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा दीदी गंगा के पास बसने वालों का करती है अपमान। पीएम ने कहा ममता को बंगाल के विकास से मतलब नहीं है। बंगाल के लोगों को साफ पानी नहीं मिला। दीदी ने हर घर नल जल योजना में रोड़े अटकाए। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने के लिए पीएम ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। कहा ममता को गरीब परिवार का मुफ्त इलाज मंजूर नहीं। पीएम ने कहा दीदी ने अपना सारा ध्यान सिर्फ भतीजे पर लगाया। टीएमसी के तोलाबाजों से बंगाल की जनता परेशान। पीएम का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। दीदी ने युवाओं की आकांक्षाओं का दमन किया। आसनसोल में भी पीएम मोदी की रैली। कहा ममता बनर्जी ने 10 साल में विकास के नाम पर विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तय। 4 चरण की वोटिंग में टीएमसी खंड खंड हो गई। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को अहंकारी बताया। कहा दीदी के पास बंगाल के लोगों के लिए समय नहीं, वो खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती हैं। पीएम मोदी का बंगाल के लोगों से वादा। बीजेपी सरकार आपके लाभ वाली हर योजना लागू करेगी। पहली कैबिनेट में किसान सम्मान निधि पर फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी की रैली में रखा गया कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान। रैली में आए लोगों को बांटे गए मास्क। नॉर्थ 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। रोड शो में देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। नादिया में फिर गरजे अमित शाह। कहा ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का देखती है ख्वाब। अमित शाह का बंगाल के लोगों से वादा। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा में अब नहीं आएगी अड़चन। बीजेपी की सरकार बनने के बाद नहीं होगी रोक टोक। अमित शाह का दावा बंगाल में घुसपैठ सिर्फ बीजेपी ही रोक सकती है। राहुल के भाजपा के डीएनए वाले सवाल पर बोले अमित शाह पहले इटली का संस्कार छोड़ो तब आपको भारत के डीएनए का पता चलेगा। ईस्ट बर्डमान की रैलियों में विरोधियों पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। टीएमसी की जीत का दावा किया। जनसभा में ममता ने समर्थकों के बीच फिर फेंकी फुटबॉल। फुटबॉल उछालकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी के वायरल ऑडियो की शिकायत जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत। ममता और पार्थ प्रीतम के बीच फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने की शिकायत की। पोलिंग बूथ पर भड़के टीएमसी कैंडिडेट मदन मित्रा। सुरक्षा बलों पर तलाशी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। बंगाल के कल्याणी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। कई घायल। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। बर्धमान में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट। टीएमसी पर मारपीट का आरोप। विधाननगर में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। दोनों गुटों में जमकर पथराव। बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हेलमेट पहनकर वोट देने पहुंचे। कहा मेरे ऊपर बीजेपी के लोग कर सकते हैं अटैक। बंगाल में 5वें चरण के मतदान में बंपर वोटिंग। शाम 4 बजे तक करीब 70% मतदान। बंगाल में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी। राज्य के 6 जिलों की 45 सीटों पर डाले जा रहे वोट। बंगाल में 342 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य और ममता के मंत्री मृत्यु बसु की किस्मत दांव पर। हाई प्रोफाइल सीट कृष्णानगर उत्तर पर सबकी नजर। कृष्णानगर उत्तर से बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय और एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी में है कांटे की टक्कर। 5वें चरण की वोटिंग ममता के लिए बेहद अहम। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा मिले थे वोट। 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। 2 मई को आएंगे रिजल्ट। बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइंस जारी की। वोटिंग से 72 घंटे पहले खत्म करना होगा प्रचार। चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर लगाया बैन। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर हुई चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी ने टीकाकरण की उम्र सीमा घटाकर 25 साल करने और बीमार युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। सोनिया गांधी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर से देश बुरी तरह प्रभावित, इससे निपटने की तैयारी के लिए 1 साल का वक्त था। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोले पी चिदम्बरम कोरोना को लेकर मोदी सरकार के उठाए सारे कदम अपर्याप्त थे। पी चिदम्बरम ने लॉकडाउन लगाने की आलोचना की। कहा बिना तैयारी और राज्यों से बात किए लॉकडाउन लगाना गलत था। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना से बिगड़ती हालात पर की चर्चा। मीटिंग में हर्षवर्धन ने कहा देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। देश में अब तक 12 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। हर्षवर्धन ने कहा राज्यों को जरूरत के हिसाब से वेंटिलेटर देंगे। देश में 2084 कोविड अस्पताल, 18 लाख से ज्यादा कोविड बेड्स मौजूद। हर्षवर्धन की लोगों से अपील कोरोना को हल्के में लेना ठीक नहीं। कहा राज्यों की हर तरह से मदद को तैयार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। नवीन पटनायक ने कोरोना वैक्सीन को ओपन मार्केट में अवेलेबल कराने की अपील की। कहा इससे जरूरतमंद खरीद सकेंगे वैक्सीन।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। सीएम ने पीएम मोदी से कहा, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड मरीजों की हालत गंभीर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम ने दो दिन पहले पीएम को लिखी थी चिट्ठी। कुंभ के श्रद्धालुओं को लेकर मुंबई के मेयर का बड़ा बयान, कुंभ से आने वाले सभी लोगों का किया जाएगा क्वारंटीन। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, कुंभ से आने वाले सभी लोगों को होटल में किया जाएगा क्वारंटीन, लोगों को खुद ही देना होगा क्वारंटीन का खर्चा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, लोकमान्य स्टेशन पर आज भी घर लौटने वालों की भारी भीड़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में कोरोना की स्थिति गंभीर, संक्रमण दर 24%। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ विलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1300 ऑक्सीजन बेड का किया जा सकता है इंतजाम, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए एम्स डायरेक्टर की सलाह, पहले जो रणनीति और तरीके अपनाए थे वही फिर से लागू करना होगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पुलिस सख्ती से करा रही पालन, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर में की पेट्रोलिंग, मार्केट में दुकानें पूरी तरह दिखी बंद। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखी पुलिस की सख्ती, जरूरी सेवाओं के लिए दिल्ली आने जाने वालों को दी जा रही इजाजत। कर्फ्यू के दौरान एमपी के भोपाल में बंद दिखी दुकानें, 12 से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाए कर्फ्यू। लखनऊ के अलीगंज में नगर निगम ने किया सैनिटाइजेशन, 60,000 मकान, 14 बाजार, 6,000 दुकानों को किया गया सैनिटाइज। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मास्क न लगाना पड़ेगा भारी, रेल मंत्रालय का फैसला, प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर लगेगा ₹500 का जुर्माना। एक्टर सोनू सूद भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, का क्वारंटीन होने के बाद भी जारी रहेगा मदद का सिलसिला। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और एक्टर सुमित व्यास को हुआ कोरोना, दोनों ने सोशल मीडिया पर दी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी को भी हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में कोरोना की किलर रफ्तार, एक दिन में 2,34,692 नए पॉजिटिव मामले के साथ बना रिकॉर्ड। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,341 मरीजों की जान ली, देश में एक्टिव केसों की संख्या 16,73,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 27,426 नए मामले, 24 घंटे में 103 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते केस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर अटैक, ट्वीट कर कहा, 10 दिन में 7 गुना बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। प्रियंका गांधी ने कहा, गांव में तेजी से पैर पसार रहा है किलर वायरस, प्रदेश को बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा कराने होंगे आरटीपीसीआर। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 17 और प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया। पूरे यूपी में आज रात से लॉकडाउन, रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा सब कुछ बंद। रविवार को यूपी के सभी शहरों और ग्रामीण इलाके रहेंगे बंद, इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट, इस दौरान चलेगा सैनिटाइजेशन का काम। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ बेकाबू हो रहा है कोरोना, एक दिन में 63,729 लोग संक्रमित, 398 की मौत। मुंबई में एक दिन में 8,839 लोग संक्रमित, 53 की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,194 लोग संक्रमित, 75 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी, 2,402 नए मामले, हरिद्वार में 539 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में 67 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर में हेल्थ वर्कर्स को हुआ कोरोना। कुंभ मेले में शामिल 24 और साधु संत कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 54 साधु संत कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी ने जाना आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का हाल, फोन पर की बातचीत, कुंभ को कोरोना के संकट से चलते प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पीएम की इस अपील का स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया स्वागत, लोगों से बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आने की अपील की। कर्नाटक में कोरोना की डरावनी तस्वीर, 14,859 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 78 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 10,031 नए मरीज मिले, 21 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 8,449 नए मामले, एक दिन में 33 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 7,300 से ज्यादा मरीज मिले, 24 घंटे में 31 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,096 नए मामले, 20 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत जल्द होगी खत्म, सरकार ने कंपनियों को दिए 90,000 डोज के ऑर्डर, 2,000 डोज दो दिन में आएंगे। अहमदाबाद में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% स्टाफ को इजाजत। उज्जैन जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 14,42,00,000 के पार, मौत का आंकड़ा 30,10,000 से ज्यादा। नार्को टेररिज्म मामले में जम्मू में एनआईए ने 60 ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं तस्कर। लाल किला हिंसा के आरोप दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, पुरातत्व विभाग के FIR पर कार्रवाई। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के जंगलों में अभी भी धड़क रही है आग, जामुन के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। RJD सुप्रीमो लालू यादव को दुमका कोषागार केस में बेल, झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत।
लालू यादव को जमानत मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, मुझे यकीन है कि लालू जी को इंसाफ मिलेगा, लालू यादव अपनी आधी सजा काट भी चुके हैं। साउथ के कॉमेडियन एक्टर विवेक का 59 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत, चेन्नई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को किया बाहर, तारीख और क्रिएटिव डिस्प्यूट्स को बताया वजह। फिल्म से निकालने के बाद करण जौहर ने सोशल मीडिया पर भी कार्तिक आर्यन को अनफॉलो किया। करण जौहर कार्तिक आर्यन विवाद में कूदी कंगना रनौत, कहा कार्तिक को सुशांत की तरह सुसाइड करने के लिए ना करो मजबूर। आईपीएल में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल के इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मैच हार चुकी है, मुंबई इंडियंस को एक मैच में जीत मिली है और एक मैच में हार। बीसीसीआई के निर्देशों को बिहार क्रिकेट संघ ने किया अनदेखा, बीसीसीआई की लीगल टीम पहुंची जांच के लिए, खिलाड़ियों पर बैन का खतरा मंडराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।